लेने से पहले सर पर दुपट्टा रख लिया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। फिर दुपट्टे की बहुत सारे कॉलर्स, मैं चाह रही थी कि इस बारे में ना बात करूं। देखिए, अगर आप लोग इस चीज में खुश हैं कि मैं दो दिन सर पर दुपट्टा रख लूं या सजा लूं और फिर उतार दूं, तो ये चीज मुझे पसंद नहीं है। जो काम इंसान करे वो सही से करे, और दुपट्टा रखने का कोई मकसद नहीं अगर बाल बना के और तैयार होकर मैं बैठी हूं। मैं इस चीज को मानती नहीं हूं, तो मैं माजर चाहूंगी कि प्लीज इस तरह की बात कॉल करके ना करें। बहुत सारे कॉलर्स करते हैं, ये बात मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगती और कोई जवाब नहीं है इस बात का। चलें, गुफ्तगु के सिलसिले को आगे, इस तरह की कॉल आती रहती है। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की बात पर। डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि इस बात, ये मैसेज आना भी चाहिए कि माजी के अंदर जो है, हम ये देख रहे हैं कि हमारी स्टेट तो फेल हुई है, हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रहीं वो डिलीवर करने में नाकाम हुई हैं, सारी नाकाम हुई हैं, कोई इसमें इस्तस्ना नहीं नज़र आता हमें। लेकिन मजमूई तौर पर जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब रहे हैं और उन्होंने हर मुश्किल हर मुश्किल घड़ी के अंदर, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सारी दुनिया ने देखा है, तस्लीम किया है। बल्कि अर्थक्वेक से पहले भी अगर आपको याद हो कि एक यानी बहुत अहम सर्वे हुआ कि पाकिस्तान के अंदर फिलेंथ्रोपिक जो है वो कितनी हो रही है, तो ऑलमोस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर 70 बिलियन जो है रुपीज़ जो है और इन काइंड जो है वो आम लोग जो है वो मुख्तलिफ वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो खर्च कर रहे हैं, जो दुनिया में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं सतह है इस हवाले से। फिर उसके अलावा जब ITBs का मामला आया और उसके बाद जब सैलाब का मामला है और हम खुद भी गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब ने कहा मोमेंटम थोड़ा सा लेट हुआ, अब हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये है कि लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। हम जहाँ जहाँ गए लोग कह रहे हैं इमदाद पहुँची है, लोग पहुँच रहे हैं उसके अंदर, और उसमें बड़ी तादाद आम लोगों की है, माशरे से जो ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि हमारे लोग अभी भी जिंदा हैं और वो कोई भी मुश्किल हो उसके अंदर रिस्पॉन्स करते हैं और उसमें कोई तफरीक भी नहीं करते उसके अंदर। बिल्कुल, हमारे यंगस्टर्स भी पीछे नहीं हैं और लोग इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी कि अर्थक्वेक का 2005 में, अच्छा कॉलर एक और है, हम ले लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे कॉलर होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन है हमारे साथ? सर बोल रहा हूँ से। जी फरमाइएगा सर। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी ये मेहमान है वो अभी शेयर कंटू वाला जो सुनाया था, मैं थोड़ा सा उसको और वाले कर दूं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलस्तान क्या होगा, हर पगडंडी टेढ़ी है, अंदाजे चलन क्या होगा। देखिए, अभी ये क्रिकेट टीम के ऊपर हम कितना कर रहे हैं और कौन कर रहा है इसके अंदर, कौन सी टीम है पाकिस्तान के अंदर जो जो अपना सही काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट सही कर रहा है या वो गवर्नमेंट वाले। कल गिलानी साहब क्या कह रहे थे कि एनजीओ जो है वो आधा पैसा खुद खा जाएगी, और आधा पैसा ये लोग कहते हैं गवर्नमेंट आधा पैसा सारे पैसे खा जाएगी। तो ये इस मुल्क के अंदर, मैं अभी ये जो शेयर पढ़ा था उससे मुझे भी फिर याद आया, तो मैंने बताया ये हर शाह में बैठा हुआ है। इसमें असल मसला जो है ना, ये हम लोग में है, ये हम ये बसीत कौम के मजबूरी तौर पे ये लीडरान जो है इनका कोई गुनाह नहीं है जी। तो हमने देखा हुआ है पीपल्स पार्टी को, प्लीज थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए साहब, उसके बाद मैं ये इनको दो दफा पीपल्स पार्टी को हमने जमाया है, दो दफा नवाज शरीफ को हमने जमाया है, तो उन्होंने क्या किया सवाए कुरद तौर बुलक स्वर स्कीम के, और कुछ नहीं दिया हमें। तो मैं भी गुजारिश करूंगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम जब ये वोट इनको कास्ट करते हैं उस वक्त कुछ सोचे। आप 75% जो है आप हमारी प्लीज प्लीज आप ऐसे हमें गाइडलाइन दें, हमारा इज्तमाही सोच खत्म हो चुकी है माशरे के अंदर। ये आप लोगों का काम है कि उनके अंदर इज्तमाही सोच जो है वो पैदा करें। बिल्कुल, हम यही कोशिश कर रहे हैं। सोच है देखो ना, अभी क्रिकेट टीम गई है, उन्होंने जाकर इंसानी तौर पर फायदा हासिल करने की कोशिश की है, इज्तमाही सोच अगर उनकी होती है ऐसा तो कभी ना करते। तो हमारे अंदर इज्तमाही सोच खत्म हो चुकी है, जो ये सियासतदानों का काम था, लीडरों का काम था। तो मैं ये फिर कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जनरल परवेज मुशर्रफ पैदा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। मैं ये असद साहब ने बताया ना, मैं सरगोधा से हूँ, तो भाई चासिन की इतला के लिए मैं भी सरगोधा ही का रहने वाला हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। तो जो शेर इन्होंने पढ़ा वो शेर तो है, लेकिन जहाँ ये सही नहीं है कि मैं मसाइल को नज़रअंदाज कर दूँ, वहाँ ये भी सही नहीं है कि ये इस तरह इतनी फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की बात करें। अब जिस चैनल में मैं इस वक्त बैठा हूँ, हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, हमारा कोई बड़ा दावा नहीं है, लेकिन हमने कोई अप्रोच नहीं किया। बिल्कुल, हम खुद ढूंढ के लेकर आए, हमने दावत दी। मुझे यहाँ इस वक्त जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहाँ आके पता चला कि हमसे इन्होंने बात क्या करनी है, हमें बुलवाया गया, एक्नॉलेज किया गया, और खुद एक अच्छी काज के लिए ये चैनल काम कर रहा है, दीगर चैनल्स काम कर रहे हैं। और अब और आपने तो कभी अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ किया भी नहीं, वही बात हो रही थी, नहीं किया। आप हैरान हो रहे थे कि कैसे आप को हमारा, मैं इनके लिए एक शेर और पढ़ना चाह रहा हूँ, फिर ये हो सकता हो एक और कॉल करें। ये फराज का शेर है जी, अगर आप असद साहब सुन रहे हैं,
कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से का काम करना चाहिए, हमें हर वक्त रोना नहीं चाहिए। और बाकी जगहों पे भी मसाइल हैं, यहाँ जो मसाइल हैं बहादुरी के साथ इंशाल्लाह उनका मुकाबला करेंगे। और जो आप गिला कर रहे हैं हुकूमतों का, वो हम आपके साथ इत्तफाक करते हैं, लेकिन अल्लाह चाहेगा अगर हम अच्छी तालीम अपने बच्चों को देंगे तो अच्छी क़यादत भी सिलेक्ट होगी। और हजार मील के सफर का आगाज एक कदम से होता है, और हमारा सफर लंबा जरूर है, लेकिन कई कदम अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने उठाए हैं और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया है इसके अंदर, वो ये है कि हमारे माशरे में एक थोड़ी सी और कमी आई है, वो ये है कि हम ज़रा एक्नॉलेज करने में और एतराफ़ करने में ज़रा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें अच्छे कामों को, अच्छे लोगों को हमें भरपूर तरीके से उनका एतराफ़ करना चाहिए, उनकी पीठ ठोंकनी चाहिए उनकी, इसलिए कि इस वक्त माशरे की ज़रूरत है कि अच्छाइयों को तलाश किया जाए और उनको नुमाया किया जाए उनके अंदर। मेरा ख्याल है इस चैनल ने ये आपकी विरासत से जो है ये बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि जो है आप अच्छाई को प्रमोट कर रहे हैं इस हवाले से, और इसकी ज़रूरत है इस वक्त जो है हम इसका एतराफ़ करें। जो भी अच्छी बात है, अच्छा काम है, अच्छे लोग हैं, अच्छे अदारे हैं, अगर हुकूमत भी कोई अच्छा काम करती है तो हमें उसका खुले दिल के साथ जो है एतराफ़ करना चाहिए, और ये एतराफ़ का कल्चर जो है हमें प्रमोट भी करना चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, तो मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप ये बताएं कि अब जो मुखय्यर हजरात हैं जो मदद करना चाहते हैं इस ट्रस्ट की, तो वो क्या, किस तरह से मदद कर सकते हैं, पैसों के अलावा और क्या किया जा सकता है? जी इसमें सिलसिला ये है कि इसमें एक तो जिस तरह मैंने शुरू में बता दिया कि ये यानी कि कौमी तामीर का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि जो हमने शुरू कर रखा है हमने, और अपनी मदद आपके तहत शुरू किया है इसके अंदर हमारा जी। उसमें सिर्फ ये है कि आप इसमें हमने कहा है कि तकरीबन हमारे 36,000 स्टूडेंट से 18,000 तलबा और तालबात ऐसे हैं कि जो इंतहाई गरीब खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने कफालत का एक निज़ाम शुरू किया है कि बच्चे जो यतीम हैं, नादार हैं, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। 10,000 रुपये माहाना से उनके सालाना तालीमी अखराजात, जिसमें यूनिफॉर्म, किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी बैग सब कुछ शामिल है, वो गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उनको जो है वो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, यहाँ पे वक्त खत्म हो गया है, हमें ब्रेक पे जाना है। माजरत चाहूंगी, यकीनन आप लोगों का मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंच गया होगा, व्यूअर्स तक पहुंच गया होगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग बढ़ चढ़ कर कॉन्ट्रीब्यूशन करें, इनकी मदद करें। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।